गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम पढ़े लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। मत बांटो इंसानों को, सही विकल्प पर टिक करना है। मजबूर कौन है? तो मजबूर दीपक है। कवि किसे ना बांटने के लिए कहता है? तो कवि इंसान को बांटने के लिए ना कहता है। किसके बिना जग सुना है? तो प्यार के बिना जग सुना है। प्यासी कौन है? तो प्यासी चट्टान है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, अभी रहा तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जब सूना जलता रेगिस्तान है, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बाहर। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब है भगवान का बंटवारा करना। मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई है। जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। क्वेश्चन आंसर, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े ऊंच नीच जाति पाति और गोरे काले आदि समूह में विभाजित करना। इंसान को बांटने से यह अर्थ है कि इंसान को छोटे बड़े ऊंचे नीचे जाति पाति और गोरे काले आदि अलग अलग समूहों में विभाजित कर देना है। कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है, मतलब सभी मनुष्य एक साथ हिल मिलकर रहे। उज्याला कहाँ बंदी है? तो उज्याला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। उज्याला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। धरती के ऊपर किसका वितान है? तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। धरती के ऊपर ये जो नीला आकाश है, यह चारों ओर फैला हुआ है, तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। प्यार के अभाव में जगत कैसा है? प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। प्यार के अभाव में ये सारा संसार जलते हुए रेगिस्तान के समान है। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, सब हिल मिलकर और एकजुट होकर रहे, समान होकर रहे। उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो उदास आंगन का हक खिलती हुई बाहर पर होना चाहिए। उदास आंगन का हक खिलती हुई बाहर पर होना चाहिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? तो कविता के अनुसार अब तक मंदिर मस्जिद और गिरजाघर आदि रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। कविता के अनुसार अब तक मंदिर मस्जिद गिरजाघर और भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। किसकी मुस्कान को कोई रोन नहीं पाएगा? सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोन नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोन नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन 3, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? तो वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली को नष्ट कर सकते। लगातार वर्षा होगी और भूकंप के तेज झटके आएंगे, तो वो धरती की हरियाली को नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते। यदि लगातार वर्षा नहीं होगी और भूकंप के तेज झटके आते रहेंगे, तो हमारी जो धरती हरी भरी है वह नष्ट हो जाएगी और प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल देंगे। उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना, इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं।
उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। यह कविता विश्व के सभी लोगों को सभी तरह के भेदभावों को भूलकर आपस में एक होकर रहने की सीख देती है। विस्तार से प्रश्नों के उत्तर लिखना। इंसानों को बांटने का क्या अर्थ है? इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना, मतलब सभी मनुष्य को अलग अलग दृष्टि से देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई। आजकल लोग ऊंच नीच, जाति पाति और गोले काले के भेदभाव से ही सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। सभी मनुष्य जो है उनके रक्त का रंग लाल है, उनके अंदर भावनाएं सब में एक जैसी है, लेकिन उसे अनदेखा कर उनके बाहरी स्वरूप पर गोरा काला ऊंच नीच जाति पाति को देखा गया जाता है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। तो लोगों ने भगवान को क्या, कुछ ने मंदिर में बिठाया, कुछ ने मस्जिद में, कुछ लोगों ने गिरजाघर में। इसी तरह एक ही भगवान को सभी ने अलग अलग ढंग से देखा है और अलग अलग अपने हिसाब से उसको उनको बिठा दिया गया है। वे अलग अलग तरीके से अपने भगवान की पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को अलग अलग रूपों में बांट दिया गया है। चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता, एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें भी अपनत्व, अपनापन देना चाहिए। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर हम चट्टानों की प्यास बुझा सकते हैं। काव्य पंक्तियों का भावार्थ। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों, धनी लोगों के घरों में है, गरीबों के घर में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। तो दुनिया में हमको समानता, एक जैसी भावना, सबके लिए समान भावना फैलने की शुरुआत हुई है। अभी सबको एक जैसे देखने की, समान भाव से देखने की अभी बहुत देर है, उसके लिए अभी दुनिया में सभी लोगों के बीच में समानता लाने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। जिस तरह बिजली की रोशनी अभी केवल महलों और धनी लोगों के घरों में, उसी तरह गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। काव्य पंक्ति पूर्ण। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, यो तो मैं तारों का राजा। शब्दों को शब्द क्रॉप्स कोश के क्रम में लिखिए। प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदासी, बंदी। तो अब इसको शब्द कोश के क्रम में, तो सबसे पहले आ आएगा, इसलिए सबसे पहले आएगा आंगन, फिर ई छोटा ई इसलिए इंसान, फिर उदास, फिर बड़ा ऊ इसलिए ऊपर, फिर ग इसलिए गिरजाघर, फिर घाटी, फिर चट्टान, फिर प्यासी, फिर बंदी, फिर मंजिल, फिर मुस्कान, फिर रेगिस्तान, फिर वितान और फिर सागर।
आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने लिए एकल परिवार की पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो शिक्षक कहते हैं आज संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार की हवा चल रही है। सुभाष तुम इस बारे में क्या सोचते? शिक्षक कहते कि आज सभी क्या संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते बल्कि अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। तो वे अपने छात्र सुभाष से पूछते कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सुभाष, गुरुजी समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए। सुभाष कहते हैं कि समय के साथ परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार में जो बूढ़े व्यक्ति है वे बूढ़े और अनुपयोगी हो गए, उनकी बातें कोई काम की नहीं है। प्रशांत, गुरुजी संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई कहते हैं। प्रशांत, वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही पक्ष और विपक्ष में, तो प्रशांत कहता है कि गुरुजी जो संयुक्त परिवार है वे बरगद के वृक्ष के समान है, यदि कोई उनका महत्व न समझते तो वे ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश, गुरुजी हमारा परिवार एकल परिवार है, पिताजी माँ दीदी और मैं, बस ये चार जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता। तो सुरेश कहता है कि हमारा जो परिवार वह एकल परिवार, उसमें मैं, मेरे पिताजी, मेरी दीदी, बस हम चार लोग ही हैं। चार लोगों के कारण घर में बड़ी शांति है। जब हम बड़े परिवार में संयुक्त परिवार में रहते थे तब रोज आपस में हम सबके झगड़े होते थे। पुरुष खर्चों के बारे में और महिलाएं काम के बारे को लेकर झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं पाते थे, इसलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। कमल कहता है, गुरुजी मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है, ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। सुमन कहती है, गुरुजी एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश कहता है, गुरुजी हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उनकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? शिक्षक कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात ठीक है, संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थल खोजिए और उनके विषय में सचित्र जानकारी एकत्र कीजिए। तो सबसे पहला आपका जामा मस्जिद, जो जामा मस्जिद के बारे में लिखना है कि यह दिल्ली में है। ईद आदि त्यौहार यही के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं, यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। तो जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली में है और ईद का जो त्यौहार आता है वह कब मनाना है, कब चांद दिखा, उसकी सारी निर्देश जामा मस्जिद से ही दिए जाते हैं और यहाँ के जो इमाम होते हैं उनका सभी बहुत आदर करते हैं। दूसरा पिक्चर है स्वर्ण मंदिर। यहाँ पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। तो स्वर्ण मंदिर जो है वो पंजाब में है और यह सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ रोज सैकड़ों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। फिर तीसरा है तिरुपति बालाजी मंदिर। यह तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है, इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। तीसरा पिक्चर है तिरुपति बालाजी का, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है और इस भगवान वेंकटेश के दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। चौथा पिक्चर है उदवाड़ा। ये उदवाड़ा गुजरात में सजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। उदवाड़ा जो है वह गुजरात में है और ये गुजरात में सजान के निकट है और ये पारसियों का पवित्र, बहुत पवित्र स्थान है। फिर आता है माउंट मेरी चर्च, जो मुंबई में है। यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है।
तो माउंट मेरी चर्च जो है यह मुंबई में है और यह मुंबई के बांद्रा उपनगर में स्थित है और यहाँ प्रतिवर्ष बहुत बड़ा मेला लगता है। थैंक यू।